टेनिस क्रिकेट मुमरा में बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले तो गौरवकांत त्रिपाठी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने FPL सीजन 2 में एक टीम की ओनरशिप ली है, तो क्या मकसद रहा है आपका इस ओनरशिप के पीछे? एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ओनरशिप करना चाहता था, सो मैंने ना सोचा कि इस बार क्यों ना मैं सीजन 2 में अपनी तरफ से एक ओनरशिप करूँ। सो मैंने इसलिए ओनरशिप अपने हाथों में ली। सो मैं ओनर काफ़ी टाइम से सोचा, मेरा जो मैंने पिछले साल सीजन में देखा था तभी भी मैंने सोचा था कि मैं ओनरशिप के लिए ट्राई करूँ, बट उस टाइम पर मैं नहीं बन पाया था। बट ये जब सीजन 2 का मुझे मौका मिला ओनरशिप बनने का, तो मैं तय दिल से मतलब शुक्रिया भी करना चाहता हूँ सीजन 2 का कि मुझे ओनरशिप के लिए बनने का मौका मिला और मैं ओनरशिप बना। ओके, सो हम जानना चाहेंगे कि आपकी टीम का नाम क्या रहेगा और आपके कौन से प्लेयर को आपने आइकॉन बनाया? हमने जो आइकॉन बनाया है सुशांत को बनाया है, क्योंकि उनका गेम प्ले मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से वो बॉलिंग बैटिंग और उनका फील्डिंग भी, मतलब देखा जाए तो मुंबई में काफ़ी नाम है उनका भी, और बाहर भी वो मोस्टली बहुत अच्छा गेम प्ले देते हैं अपना, तो उनका ऑल ओवर मुंबई में भी अच्छा नाम है। और अगर बात की जाए टीम के नाम की, तो विराट लायंस मेरा काफ़ी अर्सों से नाम, मतलब मेरा मकसद था कि मैं अगर कोई टीम स्पॉन्स करूँ तो उसको ये नाम दूँ कि मेरा, मेरे को मतलब ये नाम का बहुत समय से मेरे को लग रहा था कि मैं ये नाम देके उस नाम को ऊपर तक लेके जाऊँ, तो विराट लायंस मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। ओके, तो इसलिए मैंने विराट लायंस अपने टीम का नाम दिया, और सुशांत जो काफ़ी मशहूर भी है, तो उस हिसाब से मेरे को उसको आइकन बनाने का बहुत अच्छा है, मतलब मौका मिला तो मैंने उसको आइकन बनाया आपके। ओके, तो आपके साथ आप ही के एरिया के मोनिश पांडे भी मौजूद है, जिन्हें हम सब पाले के नाम से जानते हैं। सो पाले, आप क्या कहना चाहेंगे कि गौरवकांत ने एक ओनरशिप ली है, तो इस बारे में आपकी क्या राय रहेगी? ओनरशिप ली है, काफ़ी अच्छी ओनरशिप ली है, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैंने टीम लिया है तो आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, तो बस उसी के बोलने पे मैं यहाँ पे एज अ भाई के नाते में बैठा हूँ, एज अ पहला भाई, वो छोटा है तो बोला भाई आप भी काफ़ी क्रिकेट में, तो आपका भी ओवर में काफ़ी नाम है। बिल्कुल, उनको काफ़ी कॉन्फिडेंट आएगा आप उनके साथ रहोगे तो। बस वो हिसाब से उसने मुझे लगा कि दूसरे दिन मुझे उसने फ़ोन किया, जिस दिन उन्होंने ओनरशिप लिया मुझे फ़ोन किया कि भाई मैंने ओनरशिप लिया है FPL में, तो उसमें मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ चल मेरा किसी भाई ने, कोई शंकर मंदिर से किसी ने टीम ले, क्योंकि शंकर मंदिर आप जानते हो काफ़ी अच्छे अच्छे टैलेंट है लेकिन नहीं आ पाते, नहीं आ पाते। गौरव ने मुझे बताया कि भाई ऐसा ऐसा है, मैंने FPL सीजन 2 में मैंने टीम लिया है, तो वो हिसाब से मैंने उसको काफ़ी प्रोत्साहित भी किया कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने टीम लिया, मैंने उसको कांग्रेस उसके लिए बधाई भी दिया मैंने उसको कि भाई तुमने टीम लिया है, दैट्स गुड, वेरी गुड, तुमने टीम लिया है, तो मुझे मुझसे क्या सपोर्ट चाहिए मुझे बताएं। okay. भाई आप सिर्फ मेरे साथ रहो, मुझे सपोर्ट करो, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं है क्रिकेट के बारे में। बिल्कुल, तो बस वो हिसाब से मैंने सपोर्ट किया, तो उसी ने मुझे फ़ोन किया, मैं एक्चुअली अभी रेती बंदर में था, मैं पूजा में था, उसने मुझे वहाँ पर फ़ोन किया कि भाई यहाँ पे, उसने बोला मुझे 10 मिनट में आता हूँ। ओके, सो ये जो स्ट्रेटेजी बनने वाली है अभी ऑक्शन वगैरह होने वाला है, तो इसमें आपकी क्या प्लानिंग रहेगी, क्या सोच रहे हैं आप पाले, कि आप कैसे प्लेयर्स को सजेस्ट करोगे गौरव को कि कैसे प्लेयर्स को अपनी टीम में लेना है? मतलब जो एक ऑलराउंडर हो, जो अच्छा बॉलर हो, कि मैं ओलम का प्लेयर हूँ, मुझे बॉक्स के बारे में कुछ आइडिया नहीं था, टर्फ के बारे में। बिल्कुल, तो इस चीज़ के लिए मुझे, लेकिन ये काफ़ी अच्छे से बॉक्स खेलता है, हमारे एरिया में काफ़ी अच्छा बॉक्स खेलता है, काफ़ी अच्छे बॉलर, तो मतलब कि तुझे अच्छे कोई बॉलर है जो तेरे दिमाग में हो या कोई अच्छे फील्डर हो, और साथ में बात किया तो इकबाल भी आप जानते होंगे, शंकर मंदिर के वो भी काफ़ी अच्छे प्लेयर है, तो वो भी उनके साथ में है, वो भी उनको गाइड कर रहे हैं, मैं भी थोड़ा बहुत उनको गाइड, लेकिन सबसे ज़्यादा गाइड इकबाल का है इसमें, तो उनको लगभग उनको गाइड कर रहे हैं कि क्या बॉलर रहना है, क्या स्ट्रेटेजी रखना है, कौन से तो बॉलर, कौन से अच्छे प्लेयर है, तो जिस हिसाब से लिस्ट मिलेगी तो मैं उससे बोला कि लिस्ट एक बार चेक करें कौन से टेको अच्छे बॉलर थे क्या, तो उस हिसाब से टीम ले लेगा। ओके, सो जैसे कि बताया पाले ने गौरवकांत कि इकबाल का आपको काफ़ी सपोर्ट रहा है, लेकिन अगर इकबाल किसी और टीम में बिक जाते, कोई और टीम उनको ले लेती है, तो उस वक्त आप क्या करोगे? उस वक्त तो ऐसा मतलब हम बोल नहीं सकते, बट हम जितना कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, हम अपने इकबाल भाई को अपनी टीम में ही लेना चाहेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह हमें इकबाल भाई ने गाइड किया है, तो हम अपनी तरफ से बेहतर ही देंगे कि हमें जितनी कोशिश कर सके उतनी कोशिश में हम अपने इकबाल भाई को अपनी टीम में ही लें। ओके, तो हम तो अपनी तरफ से पूरी ट्राई करेंगे, बाकी तो ऑप्शन में देखा जाएगा। सो अगर जैसे अगर आपसे पूछा जाता कि सुशांत के अलावा आपको किसी और को आइकॉन बनाना होता, तो आप किसे आइकॉन बनाते हैं? अगर सुशांत के अलावा, सो अगर सुशांत के अलावा किसी को आइकॉन देखा जाए, तो हम अपने अहमद को बनाना चाहेंगे, अहमद जो BBTA में, BBTA में, तो अहमद का भी गेम काफी मतलब अच्छा लगता है हमें जी। और जिस हिसाब से अहमद खेलता है, जहाँ तक मुझे पता है, मेरे साथ उसने बचपन से खेला है, मुझे पता है, हालांकि मैं थोड़ा नहीं खेलता हूँ टर्फ पे, बट वो खेलता है और उसको खेलते हुए देख के ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे टीम का भी आइकन होगा, तो हमारी टीम ऑब्वियसली जीतेगी। तो अगर सुशांत की जाए, दूसरी को अगर बोला जाए, तो मैं फिर अपनी तरफ से तो अहमद को ही चूज करूँगा कि अहमद को ही आइकन बनाने की सोच रहा हूँ।
ओके सो आप भी कुछ कहना चाह रहे थे पहले? हाँ, अहमद की अगर बात किया तो अहमद काफी अच्छे प्लेयर है, बिल्कुल नो डाउट। और बात किया तो गोल्डन बॉल में काफी अच्छे परफॉर्मेंस करता है जी। आप लोग सब जानते हैं अहमद काफी फेमस है बॉक्स के मामले में जी। और काफी अच्छे टीमों से उसका परफॉर्मेंस किया, खास करके बीबीटी में तो उसका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, नो डाउट। तो बात किया ओरा में, तो ओरा में भी काफी अच्छी बैटिंग करता है। यहाँ तक कि जिस टीम से मैं खेलता हूँ, जिस टीम ने मुझे इतना नाम दिया है गोल्डन बॉयज, उसमें भी काफी अच्छा, और ओपनर जाते तो वो सोचिए फिर किस लेवल का प्लेयर ओपनर जाता है। बाकी अहमद की तो नो डाउट, ओरा में ही ओपनर सबने सब जानते हैं, सभी फॉर्मेट में वो सभी फॉर्मेट में ओपनर ही जाता है। ओके सो जैसे कि गौरवकांत आपने बताया, ये जो सारी डिटेल्स आपने दी टीसीएम टीम के साथ आप जुड़े, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत हम दिल से टीसीएम टीम जो है शुक्रिया अदा करती है। पहले आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मोहम्मद दाई को, मैं इस टीसीएम के लिए बोलना चाहूँ कि मोहम्मद दाई जो इस टीसीएम को लेकर चल रहे, उनका मैं मतलब बॉटम ऑफ माई हार्ट में उनको बोलना चाहूँ कि आप जो ये टीसीएम का काम कर रहे हो प्लीज ये चालू रखिए इसे, क्योंकि टीसीएम है तो हम है, हाँ मैं तो फिर कोई गमी नहीं है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और आपकी टीम को वेदांत लायंस को बहुत ढेर सारी विशेष है हमारी तरफ से FPL सीजन 2 के लिए। थैंक यू सो मच।